में अनेक बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी कोरोना का खतरा टला नहीं है रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें यह ध्यान जितना शुरू में था, इसलिए चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना रिलीफ होती है। और मन करता है कि चेहरे पर से मास्क हटा दें, बॉडी फील होती हो, मन करता हो उतार देना है तो पर आप देखिए जीवन को बचाने के लिए पूरी सजगता और सतर्कता में हम निभाते हैं, उसमें गति लानी है, उसको भी हमने रास्तों पर पानी की व्यवस्था की, लोगों को हाथ धोने में कोई दिक्कत ना हो इसका इंतजाम करवाया। इतना ही नहीं कि बलबीर कौर जी खुद अपने कंधे पर स्प्रे पंप टांग कर वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर पूरी पंचायत में आसपास के क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम भी करती है। सरपंच है गांदरबल के चौकली वार्ड की जैतुना बेगम श्रीमान मोहम्मद इकबाल, उन्हें अपने इलाके में प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं उसी कड़ी में आज 26 जुलाई जो हम पूरा देश 21वीं वर्षगांठ जो है करगिल विजय दिवस की मना रहे हैं, आज का संबोधन प्रधानमंत्री जी ने करगिल शहीदों को नमन करते हुए उन परिवारों को नमन करते हुए किया। और आज मन की बात के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जिस तरीके से आह्वान भी किया कि ना सिर्फ हम कोविड-19 के साथ लड़ रहे हैं, हमने उसके साथ बचना भी है, वहीं इसके साथ साथ हम जम्मू कश्मीर के लोग आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर की दो हमारी सरपंच बहनों को भी इस मन के माध्यम मन की बात माध्यम से देश के सामने लाने का प्रयास किया। हमारी त्रेवा पंचायत की सरपंच बलबीर कौर जी और कश्मीर से चक्रोली पंचायत की खातून बेगम जिस तरीके से उनकी कार्रवाई और उनकी कारगुजारी रही, विशेष करके मैं कहूँगा हमारी त्रेवा पंचायत की सरपंच बलबीर कौर जी ने इस कोविड-19 के साथ लड़ाई के अंदर पूरी अपनी पंचायत को अपने पंचायत के कार्यालय को 30 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया और पूरा ध्यान रखा कि उनकी पंचायत में कोई भी व्यक्ति जो है संक्रमित पॉजिटिव ना हो, संक्रमण से ना जुड़े और पूरा उनकी पंचायत सुरक्षित रहे। मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से हर महीने पूरे राष्ट्र को ना सिर्फ संबोधित करते हैं बल्कि ना सिर्फ मन से जुड़ते हैं बल्कि पूरे राष्ट्र को आह्वान भी करते हैं कि पूरा देश एक मुट्ठी बन के इस कोरोना महामारी के साथ लड़ रहा है। और जो त्यौहार भी आने वाले हैं उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने सबका आभार भी व्यक्त किया, शुभकामनाएं भी दी। और विशेष करके हमारे वो बच्चे जिन्होंने अभी परीक्षाएं जो घोषित हुई उनके परिणाम घोषित हुए उनमें उन्होंने अच्छे अंक हासिल किए, राष्ट्र में ना सिर्फ परिवार का बल्कि राष्ट्र का भी नाम रोशन किया। और मन की बात के माध्यम से जिस तरीके से आज हमने भी प्रयास किया कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के इस मन की बात को देखें और आज जिस तरीके से करगिल शहीद दिवस भी हम मना रहे हैं, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जिन्होंने मन की बात के माध्यम से पूरे राष्ट्र को ना सिर्फ याद किया बल्कि उन परिवारों को भी नमन किया जिन्होंने 21वीं वर्षगांठ जिसके वजह से हम मना रहे हैं करगिल शहीदों को आज नमन भी किया और जो करगिल शहीद वार के दौरान जो परिवार जिन्होंने अपने लाल खोए।